व्यवसाय में वृद्धि के लिए, ये तो था आर्थिक लाभ के लिए, यानी जो आप काम कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट मार्जिन बढ़े उसके लिए। अब व्यवसाय में तरक्की या व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, व्यावसायिक वृद्धि के लिए। चांदी का अगर पॉसिबल है तो गोल्ड का ला सकते हैं, नहीं पॉसिबल है तो चांदी का या फिर ब्रास का, कांसे का श्रीयंत्र लेकर आना है, खरीद के लेके आना है। श्रीयंत्र खरीदने का जो दिन होना चाहिए वो गुरुवार होना चाहिए, शुक्ल पक्ष होना चाहिए, कृष्ण पक्ष में नहीं लाना, खरीदना नहीं चाहिए श्रीयंत्र। शुक्ल पक्ष में गुरुवार वाले दिन या शुक्रवार वाले दिन आप एक छोटा सा श्रीयंत्र लेके आइए। अगर आपको चांदी का मिलता है ठीक है, अगर सोने का मिलता है तो और भी अच्छा, नहीं मिलता है तो एक ब्रास का आता है, कांसे का, वो भी ला सकते हैं, या स्फटिक का श्रीयंत्र लाइए। और साथ में एक कमल गट्टे की माला जिसमें 108 दाने रहेंगे, कमल गट्टे की माला। ठीक है, करना यह है कि आपको सबसे पहले जहां पर आपका पूजा स्थान है, चाहे वो घर में हो, चाहे वो ऑफिस में हो, या शॉप में, गल्ले में, कहीं पर भी हो, पूजा स्थान है वहां पर आपको करना है। सबसे पहले पूजा स्थान की बहुत अच्छे से सफाई कीजिए, साफ, एकदम क्लीन क्लीन करके नए कपड़ा, नया कपड़ा उसमें बिछाइए। उसके बाद भगवान की मूर्ति या स्टैचू जो भी आपका है उसको अच्छे से प्रॉपर से रखिए, और श्रीयंत्र को बीचों बीच रखना है। सबसे पहले चावल बिछाने हैं, चावल का एक लेयर रहेगा, उसके ऊपर कमल गट्टे की जो माला है उसका एक सर्कल बना के, ऐसा लगे कि वो बेड है, बिस्तर की तरह एकदम सर्कल बना के रखना है, और उसके ऊपर श्रीयंत्र को स्थापित करना है। ठीक है, सबसे नीचे जो कपड़ा रहेगा वो, उसके ऊपर चावल का एक लेयर, उसके ऊपर कमल गट्टे की माला को अच्छे से बिछाना जिससे श्रीयंत्र अच्छे से स्थापित हो, और ऊपर श्रीयंत्र को रखना है, और नित्य दिन इसकी पूजा करें। छोटा श्रीयंत्र लाएंगे तो भी चलेगा, नित्य दिन इसकी पूजा होनी चाहिए। पूजा में साधारण तरीके से आप धूप दिखा सकते हैं, छोटा सा दिया है तो दिया भी रख सकते हैं। और उसके साथ मैंने एक एडिशनल एक और चीज़ ऐड की है जो उसमें नहीं है, मेरे इस वाले किताब में नहीं है, ऐड किया हुआ है। एक बॉक्स आता है जिसमें एक ही मंत्र बार बार रिपीट होता है, हम लोग मंत्र बॉक्स बोलते हैं, उसमें बहुत सारे मंत्र कई बार आते हैं। तो अगर आप लोगों की जानकारी में कोई ऐसा है जो ये बॉक्स बनाते हो, उनसे बोलकर एक लक्ष्मी कवच, लक्ष्मी का महालक्ष्मी कवच मंत्र का जो है एक वो ला सकते हैं, ऑटोमेटेड बॉक्स जिसमें हमेशा वो 2400 घंटे बसता रहेगा। ठीक है, अगर वो पॉसिबल नहीं हो रहा है तो जब तक आप रहें तो कोई एक ऐसा पुराना फोन ले लें, उसमें लक्ष्मी कवच को डाउनलोड करके रिपीट मोड पे छोड़ दें, वो बसता रहेगा, जितना कंटिन्यू बजेगा उतना अच्छा इसका आपको इफेक्ट दिखेगा। अगर नहीं पॉसिबल हो रहा है तो दिन में कम से कम शुरुआत में ही जब दुकान या गल्ला या ऑफिस पहुंचते तो वो उसको बजा दे, जब धूप बत्ती दिखा रहे हो तभी वो लक्ष्मी कवच वाला मंत्र बजा दे साथ में। ठीक है, ये भी व्यापार व्यापार में वृद्धि करने का बहुत अच्छा उपाय है, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। अच्छा, व्यापार में सेल ज्यादा हो, जो आप सामान लाते हैं बेचने के लिए या सर्विसेज जो भी बेचते हैं आप, उसमें ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आए और सेल बढ़े, क्योंकि हर कस्टमर तो सामान नहीं खरीदता, कुछ इंक्वायरी करने आते हैं, पूछताछ करके चले जाते हैं। ऐसा हो कि जितने फुटफॉल शॉप में हो, जितने फुटफॉल आपके काम में आए, उतने के उतने फुटफॉल कन्वर्ट होने चाहिए। ठीक है, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 92-95% कन्वर्ट होने ही चाहिए। उसके लिए एक उपाय है, आप
आपको दो दो कर सकते हैं उपाय। इसका एक उपाय यह है कि एक एक कम से कम 6 इंच बाय 6 इंच का साइज का आता है फोटो, या आप थोड़ा बड़ा पोस्टर लगाएं तो और भी अच्छा है। जैसे जो आपका मेन डोर है, दरवाजा जो है ऑफिस का हो, बिल्कुल जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं उनके लिए भी वैलिड है, उनके लिए तो जबरदस्त वैलिड है। मैं बताता हूँ कहाँ पे वैलिड है, डेस्कटॉप पे वो वाला इमेज रख लो, ऑनलाइन से काम हो रहा है तो माता लक्ष्मी को आप डेस्कटॉप या लैपटॉप के स्क्रीन सेवर में या जो डेस्कटॉप का बैकग्राउंड होता है उसमें डायरेक्टली वो इमेज रख लो, एक ऐसा इमेज जिसमें माँ लक्ष्मी बैठी हुई है, दोनों पैर में आलती पालती मारकर बैठी है और कमल के पुष्प में बैठी है, उनके दोनों हाथों से, एक हाथ से धन की वर्षा यहाँ से निकल रही है और दूसरे हाथ में घड़े से धन गिर रहा है, और पीछे से दो हाथी जो है वो अलग दो घड़ा लेकर जल वर्षा, जल की वर्षा कर रहे हैं। ये एक इमेज है, आपको मिल जाएगा, नेट पे मिल जाएगा। अगर शॉप बहुत बड़ी है, दरवाजा आपका मेन डोर बड़ा है, तो एंट्री एंट्री करके ही जो पहला एक ऐसी जगह पे उस इमेज को लगाइए कि माँ लक्ष्मी वहां बैठी हुई है, माँ लक्ष्मी उस शॉप में बिल्कुल जिसे कहते हैं ना गाड़ के बैठी है, वो जाने वाले नहीं है, ऐसा कि दरवाजा खुलते ही सबसे पहले उस माँ लक्ष्मी के ही दर्शन हो। ठीक है, या एक आता है, एक यंत्र आता है जो अष्टलक्ष्मी यंत्र होता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट आर्ट कलर की माँ लक्ष्मियां होती हैं, उसको लाइए, दिवाली वाले दिन लाइए उसको, दिवाली वाले दिन जब दिवाली की पूजा हो रही है उस यंत्र को भी रख के उसका भी पूजन करवाइए, और उसको अपने गल्ले में जहाँ पे गल्ला है आपका या मंदिर है आपका वहां पर परमानेंट लगाइए, और हर दिन उसमें धूप दिखाइए, धूप दिया रेगुलर जाना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इम्पैक्ट करता है कि एंट्री होते ही दरवाजा जैसे ही खुलता है और माँ लक्ष्मी के दर्शन होते हैं तो एक तो आपका बिजनेस बढ़ता है, साथ में जो कस्टमर आता है वो संतुष्ट होके जाता है, वो आपके सर्विसेज से पूरी तरह से संतुष्ट होकर ही जाता है। ठीक है, और जो मैंने अभी कहा कि फुटफॉल, जितने फुटफॉल होंगे 90 से लेकर 95% तक कन्वर्जन होने की पॉसिबिलिटी बनाता है, कस्टमर सेटिस्फाइड होके जाएगा और फिर दोबारा भी आएगा दोबारा काम लेने के लिए। इसके बाद रैपिड ग्रोथ ऑफ बिजनेस, रैपिड ग्रोथ मतलब जल्दी बढ़ाना है, एक्सपो मतलब जिसको ना एक्सपेंशन जल्दी जल्दी हो, उसमें एक बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है, वो नारियल का एक उपाय, छोटा सा उपाय है, उसमें बहुत इंडिकेशन ये होता है, आपको वो दिखेगा। आपको करना ये है, तीन आंखों वाला नारियल जो होता है, जो नॉर्मल नारियल आपको बाजार में मार्केट में मिलता है, वो एक नारियल लाना है, और नारियल का जो बाल होता है ना, जिस ओर तीन आंख है उस ओर ही सिर्फ बाल को साफ करना है, बाकी वाला पीछे वाला जो हिस्सा जिसमें बाल होते हैं वो रहना चाहिए। ठीक है, आपको एक छोटा सा कलश लेना है और कलश का जो मुहाना होगा उसमें नारियल अच्छे से अंदर की ओर बैठ जाए, फिक्स हो जाए, हिले ना ज्यादा। ठीक है, तो कलश में आपको पानी भरना है, नारियल का जो तीन आंखों वाला जो हिस्सा है वो पानी में हल्का सा डूबा हुआ रहना चाहिए। रखने के बाद ऊपर से एक लाल कपड़े को बांधकर उसमें जो कलावा या मौली होता है उसको आप एक दो लपेटा डालकर उसमें एक गींठ लगा दें। सर रिपीट कर दो प्लीज। एक नारियल तीन आंखों वाला, हाँ जी, उसका साइज ऐसा होना चाहिए कि उसके साइज के बराबर एक कलश मिट्टी का लेना है,
उसमें नारियल को आंखों को अंदर की ओर पानी में डुबा के रखना, यानी कलश में पानी भर के रखो और नारियल जो है वो उसकी जो तीन आंखें वो पानी में टच होनी चाहिए और उसको लाल कपड़े से लपेटना है। लाल कपड़े से लपेटने के बाद कपड़ा तो ऐसा रुका नहीं जाएगा ना, उसको बांधना पड़ेगा, उसको मौली से या कलावे से उसको बांध दो, एक गांठ या दो गांठ लगा के, दो राउंड लगाया एक गांठ लगा दिया, ठीक है। और बस इस बात का ध्यान रखना कि थोड़ा थोड़ा पानी ना, जैसे कि दिन में या एक या दो दिन के अंतर ही अंतर जो हिस्सा नारियल का ऊपर था जहां पर वो उसके बाल लगे हुए थे वहां पे थोड़ा थोड़ा पानी का स्प्रे मिल जाए उसको, ताकि वहां से एक अंकुर निकल के आएगा नारियल का पौधा। करीब हफ्ता डेढ़ दो हफ्ते के बाद एक पौधा निकल के आएगा, वो पौधा अगर उसका जो ग्रीन वाला पोर्शन आपको दिख गया तो बस समझो कि आपकी बरकत चालू, ठीक है। ये बहुत जैसे कहते हैं ना कि एक बच्चा जब होता, जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो पहले के 5 महीने बहुत सावधानी पूर्वक रहने के लिए बोला जाता है ना, तो ठीक इसी तरह इसमें भी ये अंकुर निकलने में सावधानी रखना है। वो एक बार निकल गया तो फिर वो वृक्ष बनेगा 100%। तो आपको करना यह है, आपको उस कलश और नारियल को तो रोज धूप बत्ती, जैसे नॉर्मल हम बाकी देवताओं की पूजा करते हैं उसकी भी पूजा करेंगे, ठीक है, धूप बत्ती रेगुलर दिखाएंगे उसमें। जिस दिन अंकुर निकल के आएगा, पौधा निकल गया, करीब करीब वो एक फुट या उससे थोड़ा सा कम, आधा फुट भी थोड़ा बाहर आ गया, तो आपको करना यह है कि वो नारियल लेना है कलश समेत, नारियल को किसी ऐसी जगह पे लगाना है जो जहां पर वो वृक्ष बन जाए, जैसे पार्क वगैरह में लगवा दिया, सोसाइटी का पार्क है वहां लगवा दिया, और उसको बड़े होने तक एक छोटा सा प्रोटेक्शन दे सको तो और भी अच्छा। तो वो पौधा जैसे जैसे वृक्ष बनेगा, ठीक है, नारियल को श्रीफल भी बोलते हैं, तो पौधा जैसे जैसे वृक्ष बनेगा वैसे वैसे आपकी खुद की तरक्की होगी, आपके बिजनेस की तरक्की होगी। ये वाला काम साउथ इंडियंस बहुत करते हैं, बहुत, इसलिए साउथ इंडियंस इतने तरक्की करते हैं। जैसे ही वो जैसे ही वो उसको डाल दिया, उसमें से वृक्ष पेड़ बनना चालू हो गया, फिर से नया लगाते हैं कलश में डाल के, सेम उसकी पूजा करते हैं। एक तरह से आप समझ लो कि हम जो है पैसों के लिए बीज लगा रहे हैं और वो पैसों का पेड़ निकल रहा है और उसे और बड़ा कर रहे हैं हम नर्चर करके। केरल में नारियल के पेड़ को काटते नहीं है, उसको जड़ समेत ना शिफ्ट कर देते हैं। अगर जैसे सड़क बन रही हो, रोड बन रहा हो, बिल्डिंग बन रहा हो, तो वो लोग काटते नहीं है नारियल के पेड़ को, जड़ समेत जितना बड़ा उनका एरिया है, पेड़ का जितना बड़ा एरिया जड़ वाला रहेगा, वो समेत वहां से हटा के कहीं और उसको शिफ्ट करते हैं, इतना मानते हैं नारियल के पेड़ को बहुत ज्यादा। श्रीफल यहाँ कहीं लगा सकते हैं या कॉमन जगह ही लगाना है? एक्चुअली आप ऐसे जगह पे लगाइए ना, आप घर में लगाएंगे तो पेड़ बड़ा नहीं हो पाएगा ज्यादा। सर फार्म हाउस है हमारा तो उस पे लगा देंगे? बिल्कुल जी, अरे फार्म हाउस में बहुत जगह है, जगह ही जगह, कितने लगाने लगाओ। हाँ, और 4 फार्म हाउस बन जाए, ठीक है। हाँ अच्छा, जिनके दुकानों में ना लोग सिर्फ इंक्वायरी करने आते हैं, सिर्फ इंक्वायरी करते हैं और चले जाते हैं, जिनकी दुकानों में लोग आते हैं सिर्फ पूछते हैं ये कितने का, ये कितने का, नहीं यार आप तो बहुत ज्यादा बोल रहे हो, चले जाते हैं, ठीक है, उनके लिए एक बहुत सिंपल सा उपाय, बहुत अच्छा उपाय है। आपको करना यह है कि 12 गोमती चक्र लेकर एक लाल कपड़े में रख के बांधना है, और ये काम आपको गुरुवार वाले दिन करना है, गुरुवार वाले दिन, ठीक है। और याद रखना, अगर शुक्ल पक्ष हो तो अच्छा, अगर गुरुवार के दिन पूर्णिमा आ जाए या गुरु पुष्य योग बन जाए, ठीक है, गुरु पुष्य योग मतलब शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में गोचर करता हो तो सबसे बेस्ट तिथि। अगर वो नहीं बनता है तो कोई बात नहीं,
आप किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार को 12 गोमती चक्र लाइए, एक लाल कपड़े में बांधिए और एग्जैक्टली जहां पर आपकी शॉप है, दुकान है, जहां ये चीज हो रहा है, उसके दरवाजे के ठीक ऊपर उसको बांध दीजिए, ताकि ग्राहक जो है उसके नीचे से जाए। 12 गोमती चक्र को कपड़े में बांधकर बांध दीजिए, ताकि ग्राहक उसके नीचे से जाए और एक बार जब अंदर जाए तो कुछ लेके ही बाहर आए, अपने पैसे खर्च करके ही बाहर आए, वह खाली हाथ सिर्फ इंक्वायरी करके बाहर ना आए। ठीक है, सर, जो आपने माँ लक्ष्मी की फोटो वाला उपाय बताया, तो हम लोग ऑकल्ट में हैं, तो क्या ऑकल्ट में सरस्वती जी की जगह लक्ष्मी जी की फोटो लगाइए ना? लक्ष्मी जी की फोटो आपको, अगर अगर हम लोग जैसे ऑकल्ट में है तो लक्ष्मी जी की फोटो कहाँ पर होनी चाहिए, ये सबसे क्लियर होना जरूरी है। दो जगह पर है, एक साउथ वेस्ट में, साउथ ईस्ट में, ठीक है, लक्ष्मी जी की फोटो होनी चाहिए साउथ ईस्ट में, और एक नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में। ये दो जगह पर लगाएं, ठीक है। हम अकल्ट वालों के लिए ज्यादा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट ही ज्यादा सही बैठता है, क्योंकि वो आकर्षण का जगह है। और जो लोग बिजनेस बड़ा डील करते हैं, स्पेशली जो लोग होलसेल में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, उनके लिए लक्ष्मी जी की फोटो अगर अग्नि कोण में रखा जाए तो बहुत अच्छा, उनका रेगुलर फ्लो बना रहेगा, मनी रोटेशन रेगुलर रहेगा। एक और चीज, जितने भी मैंने यहाँ पर व्यापार वृद्धि, धन वृद्धि और लाभ प्राप्त करने के लिए उपाय बताए हैं, इसके लिए सबसे पहली चीज जो है, आपके घर में या कस्टमर जिसके जिसको भी आप उपाय दे रहे हैं, उससे दो चीज क्लियर कर लें कि घर में किसी भी तरह से उत्तर की दिशा में और दक्षिण पूर्व की दिशा में टॉयलेट, बाथरूम या उसका उस जगह का कोई भी एंटी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो ये हाफ काम करेगा, 50% उपाय काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं, काम करेगा, पैसा आएगा लेकिन निकल जाएगा, दिखेगा नहीं, रुकेगा नहीं, ठीक है ना। तो हमेशा उनको बोलिए उत्तर की दिशा और दक्षिण पूर्व की दिशा साफ सुथरी होनी चाहिए, दक्षिण पूर्व में तो खैर अग्नि स्थापित होना ही चाहिए, अगर वहां पर कोई भी एंटी एलिमेंट है या किचन बाथरूम टॉयलेट बना रखा है तो उसको इमिडिएटली वहां से रिमूव करें या वहां पे बैलेंस करें, जो जो हम वास्तु में उपाय करते हैं वो करके उसको ठीक करें। ठीक है, इसके बाद